la 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 la. एक नया संदेश सुनाने आए हम, एक नई कहानी लेकर आए हम, एक नया संदेश सुनाने आए हम, एक नई कहानी लेकर आए हम, आए हम, आए हम, एक नई कहानी लेकर आए हम, एक नई कहानी लेकर आए हम। कहानी एक वीर की, ये है कहानी महाज्ञानी की, ये है कहानी एक वीर की, ये है कहानी महाज्ञानी की, इससे बढ़कर ये है कहानी एक बड़े प्रेमी की, इससे बढ़कर ये है कहानी बड़े प्रेमी की, ये है कहानी, ये है कहानी संत पॉल की। तारसुस में जन्मे पॉल था पहला नाम साबुल, तारसुस में जन्मे पॉल जिसका था पहला नाम साबुल, वो खलनायक था जो करता था लोगों का दमन, नायक बन गया वो जब हुआ प्रभु से मिलन, प्रभु के दर्शन मात्र से उसके प्रेम पाश में बंध गया, प्रभु के दर्शन मात्र से उसके प्रेम पाश में बंध गया, पूर्ण मिलन को तरस गया, पूर्ण मिलन को तरस गया। कहानी लेकर आए हम, आए हम, आए हम, एक नई कहानी लेकर आए हम। देखो आ रहा है सावल, वो उन लोगों के साथ है जो मसीह के अनुयायी स्टीफन को पथराव करके मार डालने ले जा रहे हैं। वो चाहता है कि मसीह के हर अनुयायी को इसी प्रकार मार डाले। Thank you.
एक विजय दिलाने मसीहियों का विनाश करने विजय ध्वजा फहराने गगन पर तलवार खींचे निकला साबुल 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 इनके बाद एक विजय दिलाने मसीहियों का विनाश करने विजय ध्वजा फहराने गगन पर तलवार खींचे निकला साबुल 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 पुरोहितों और शास्त्रियों का उनको मिला अनुमोदन उनको मिला अनुमोदन ढूंढ ढूंढ के निकालो हर एक मसीह को उनका कर दो सर्वनाश विजयी बन कर आओ विजयी बन कर आओ। यह आज्ञा पत्र हाथ में ले डमास्कस की राह पर तलवार खींचे निकले साबुल तलवार खींचे निकले साबुल Thank you.
साबुल, साबुल, क्यों तुम मुझ पर अत्याचार करते हो? प्रभु, आप कौन हैं? मैं वही हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उसका गिरना ही उसका उठना है, नए कदम से उसको उठना है, नवजीवन पाकर उसे उठना है, उठना है उसे, उसे उठना है। अंधा हुआ सावल बिना खाए पिए ध्यान में बैठा है, उसके मन में संघर्ष चल रहा है। साबुल, अब से तुम एक नए व्यक्ति बन जाओ। तुम्हारा नाम होगा पॉल। मैं तुम्हें एक नई दृष्टि प्रदान करता हूं। सभी लोगों में मुझे ही देखोगे।
तुम जहां भी देखोगे मुझे ही पाओगे। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, एक ही आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, प्यार करो जैसे मैंने किया है। स्वर्ग दूतों की बोली मैं जानूं, सारे संसार की भाषाएं बोलूं। यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। घन घनाती घंटा और झनझनाती झांझ, घन घनाती घंटा और झनझनाती झांझ। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, घन घनाती घंटा और झनझनाती झांझ, घनाती घंटा और झनझनाती झांझ। भविष्यवाणी का वर मुझे मिले, स्वर्ग धरा के सभी ज्ञान मिले। भविष्यवाणी का वर मुझे मिले, स्वर्ग धरा के सभी ज्ञान मिले। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। घन घनाती घंटा और झनझनाती झांझ, घन घनाती घंटा और झनझनाती झांझ। प्रेम है सहनशील और है दयालु, न करता ईर्ष्या और घमंड। प्रेम अपना स्वार्थ न खोजता, न ही बुराई का लेखा रखता, पर सब कुछ सह लेता है, सब कुछ सह लेता है, सब कुछ सह लेता है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक तूफान सा चला वो खुद एक तूफान बन गया, गांव गांव शहर शहर प्रेम का संदेश सुनाता चला। प्रेम की राह पे चलता रहा, प्रेम की राह पे चलता रहा। एक तूफान सा चला वो खुद एक तूफान बन
गया गांव गांव शहर शहर प्रेम का संदेश सुनाता चला प्रेम की राह पे चलता रहा एक तूफान उसके विरुद्ध भी उठाया पुराने साथियों ने एक तूफान उसके विरुद्ध भी उठाया पुराने साथियों ने उनको न भाया यह परिवर्तन वे भी उनके पीछे पड़े उनको मारने वे खींचे तलवार अब वे मांगे पॉल का सर अब वे मांगे पॉल का सर एक तूफान सा चला वो खुद एक तूफान बन गया गांव गांव शहर शहर प्रेम का संदेश सुनाता चला प्रेम की राह पे चलता रहा प्रेम की राह पे चलता रहा आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो आप बुराई से घृणा और भलाई से प्रेम करो सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने का शरीर एक है यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक अंग होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं मसीह के विषय में भी यही बात है हम यहूदी हों यूनानी हों दास हों या स्वतंत्र हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है
ओ मसीहा मेरे मसीहा, जब तू ही मेरे साथ है प्रभु, कौन कर सकता विरोध मेरा। जब तू ही मेरे साथ है प्रभु, कौन कर सकता विरोध मेरा। इतना प्यार तूने किया, प्राण भी कुर्बान किया प्रभु मेरे लिए। इतना प्यार तूने किया, प्राण भी कुर्बान किया प्रभु मेरे लिए। ओ मसीहा मरण जीवन, भूख न तलवार, मरण जीवन भूख न तलवार, तुझसे मुझको दूर न करेगा। मरण जीवन भूख न तलवार, तुझसे मुझको दूर न करेगा। मसीहा ओ मसीहा, 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 मसीहा ओ मसीहा। मुझे तू बल प्रदान करता, तेरी शक्ति से हो मसीहा, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मसीहा ओ मसीहा, 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 मसीहा ओ मसीहा। कैदी भाग गया है, अब दंड मुझे ही मिलेगा, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। मित्र अपनी हानि मत कीजिए, मैं यही हूं। मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी।
यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसीलिए प्रेम के मार्ग पर चलें। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और एक सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित किया। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो मनुष्य हूं, ईश्वर पर विश्वास करो जिसने आकाश धरा को रचा है। कई बार वो बंदी हुआ, सभी बार वो मुक्त हुआ, कई बार उसे दंड मिले पर कम ना हुआ था उसका प्यार। मसीह से कभी हुआ न दूर, मसीह से कभी हुआ न दूर। जहाँ जहाँ वो जाता था उसका स्वागत होता रहा, उसके विरोधी चुप ना बैठे, करते रहे षड्यंत्र अनेक। पर कम न हुआ था उसका प्यार, मसीह से कभी हुआ न दूर, मसीह से कभी हुआ न दूर। मैं संहिता की दृष्टि से मर गया हूं जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ओ मसीह, तेरे लिए मैं जी रहा हूं। कितना तड़पाएगा शरीर का ये बंधन, कब मिट जाएगा? क्रूस पर तेरे संग मैं मर चुका हूं, अब जीवित रहूंगा हे मसीहा संग तेरे। चोला ये पुराना मैंने त्याग दिया है, अब सिर्फ तुझको मैंने ओढ़ लिया है। जीवन मेरा तू ही है, मृत्यु तुझसे मिलन, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ओ मसीह, तेरे लिए जी रहा हूं मैं। न्यायाधीश के सामने पॉल के विरुद्ध कई अभियोग लगाए गए, लेकिन न्यायाधीश ने उसमें कोई अपराध नहीं पाया। उसे सैनिकों के हवाले कर एक जहाज में रोम भेजा गया ताकि रोमी सम्राट के सामने उसकी सुनवाई हो। पॉल भी यही चाहता था कि वो रोम जाए और रोम देश में प्रभु का संदेश सुनाए।
पॉल, हर घड़ी हर पल तूने मुझे संभाला, हर घड़ी हर पल तू मेरे साथ रहा। जान ले ये तू, मैं तुझ में और तू मुझ में सदा सदा रहता है। अब से मैं नहीं प्रभु, तू ही मुझ में रहता है। कई साल पॉल रोम में सबको प्रभु का संदेश देता रहा, फिर वो बंदी हुआ और बंदी गृह में भेजा गया। बंदी गृह से पॉल अपने पत्रों के द्वारा लोगों को सिखाता रहा, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है। दो प्रेमियों का मिलन
दो प्रेमियों का।